राजा तुम्हारे भैया समान ओहो तो आप हैं लाल बादशाह क्या मारिएगा ने पूरे इरादे के साथ बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से समाज सेवक जब्बर सिंह का कत्ल किया है। वो समाज सेवक जो इंसानों को उनके जीने का हक दिलाता था, गरीबों के दुख दर्द में काम आता था, उस इंसान को जिंदगी से घसीट करके मौत के अंधेरे में इसने फेंक दिया है। योर ऑनर, यह कत्ल इंसानियत के दामन पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म के लिए लाल बादशाह को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो दुनिया के तमाम मुजरिमों के लिए एक इब्रत हो, एक सबक हो। वाह वकील साहब, वाह! इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ता पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये जॉन जबरवा मरा है, ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है, कुछ मालूम आया आपको? और ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया? किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा, चलिए मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10-20-50 आदमी तो हमको देखा होगा। चलिए 10-20-50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। पता हम क्या करें हुजूर? अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। ये वकील साहब की तरह किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं, जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड, हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ, अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजिरात हिंदफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे, और जब गवाहे नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे, बोलिए। ऑर्डर, ऑर्डर! अब बोलिए, हमारा मुख क्या ताक रहा है? 2 घंटा से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहा है, और ये टिपी टिपर ये टाइपराइटर चला रहा है, कोनो गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। वो तो हिलते कहां हैं? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हो जो लाल बादशाह।
ओह लाल बादशाह जी, नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पाँव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, बिना वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहाँ से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है हुजूर? बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जवान दे दिए हैं। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को कहा है आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं नु? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया, समझते क्या तुम अपने आपको? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनको में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। पूछते हैं है? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मार देंगे उसको, तो पहले मर चुके हैं। ए लाल बसा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लाल बसा। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डालें, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो बिटवा हैं उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छाइन छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे वैसे ही वापस दौड़ जाइए। चलिए। के सारे भागे। वाओ लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद, लाल बादशाह जिंदाबाद। सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद लाल बादशाह, जिंदाबाद लाल बादशाह, जिंदाबाद। बस 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 बस। वाह जनाब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ना हाथ चलाए ना पाओ। आपकी बहादुरी ने कितनी समझदारी से गुंडों को पार लगा दिया, फैंटास्टिक। अगर वो मेरा क्लाइंट मर जाता तो मुझे मेरे लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और देख थोड़ी ना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप सांस कब लेती हैं, बिना रुके बोलती चली जा रही हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलिए ना चाय पीते हैं। आइए ना। चलिए।